राम राम दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि झीरी पाइपिंग हम कैसे करते हैं, झीरी पाइपिंग के लिए कैसे पाइप डालते हैं, और टीवी के बोर्ड कौन से हाइट पे देना है, रूम के बोर्ड कौन से हाइट पे देना है, और डिब्बी हमने किस हाइट पे लगाया है, जो डीप देख रहे हैं, डीप लाइट के लिए हमने उसको 1.5 फीट पे लगाया है वहाँ से लेके। और ये हमारे दो पाइप आए हैं, देख सकते हैं आप, एक हमने डिस्क के लिए यूज़ किया है और एक में सर्किट आ जाएगा, जो कि हमारा इस बोर्ड पे दिया है, हमने टीवी के लिए 38 इंच पे दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। और एक कॉर्नर पे ये बोर्ड लगा दिया हुआ, और रूम में अगर हम एंट्री करेंगे तो हमने 18 मॉडुलर का बोर्ड एक ये लगाया है, जो कि हमने 5 फीट पर ये बोर्ड लगाया है दोस्तों। और यहीं से हमने झीरी पाइपिंग करके ये पुराया है, ये देख सकते हैं। ऊपर से एक सर्किट आएगा जो कि इस तरफ के पीछे तरफ के लेट बाथ के और किचन के जो सर्किट आएंगे यहाँ से आ सकते हैं आराम से। और एक ड्रॉप खड़ा किया है जो कि यहाँ पे फॉल सीलिंग होनी है, उसके लिए वहाँ से वायर चले जाएंगे। और बाकी जो फैन बॉक्स से और ये जो डब्बी दिए लगाई है हमने, इनमें से आ जाएंगे दोस्तों। और एक ये ड्रॉप हमने यहाँ उतारा है, ठीक है दोस्तों, ये ड्रॉप से हमने ले गया है ये वाले बाथरूम में, और यहाँ पे लगाया है 6 मॉडुलर का बोल्ट, ये देख सकते हैं, ये है 6 मॉडुलर का बोल्ट जो कि हमने इस साइड पर लगाया हुआ है, ताकि यहाँ पे वॉश बेसिंग लगे और इसके ऊपर कांच भी लग जाए। और ऊपर लाइट के लिए दिया हुआ है, एक लाइट का पॉइंट ये आ जाएगा, एक लाइट का ये, ताकि ये जो बॉक्स पे रोशनी चली जाए। और यहीं से एक बाथरूम में हमारे दिख रही है, ये बाथरूम में हमारे लाइट चला जाए, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हम किचन में, यह है दोस्तों हमारा किचन, ये देख सकते हैं किचन, ये किचन की हमने पाइपिंग उतारी है, ये दोस्तों हमने उतारा है यहाँ से, ये एक बोल्ट दिया है 6 मॉडुलर का दोस्तों, ठीक है। और एक दिया है 3 मॉडुलर का, यहाँ पे जैसे मंदिर वंदिर बनना है, जो भी बनना है उसके हिसाब से। और ये स्टैंड के लिए हो जाएगा, और एक ये एक्वा गार्ड के लिए ये हो जाएगा दोस्तों, और एग्जॉस्ट के लिए यहीं से चला जाएगा। और ऊपर से देख सकते हैं आप, दो ड्रॉप हमने उतारे हैं, एक और एक दो, जिसमें से वाटर बेल के लिए वहीं से वहीं ऊपर हमारा सर्किट चला जाएगा। वॉश एरिया है दोस्तों, ये देख सकते हैं, एक बोल्ट हमने ये दिया है वॉशिंग मशीन के हिसाब से, जहाँ वॉशिंग मशीन लग जाएगी। और एक एग्जॉस्ट के हिसाब से हमने वहाँ पे डाल दिया था, जहाँ खिड़की लगनी थी लेकिन वहाँ कैंसिल हो चुकी है, तो हम लाइट लगा सकते हैं या एग्जॉस्ट के लिए लगा सकते हैं, जो भी है। और एक फैन लग बॉक्स ये है, और एक डब्बी ये है। ये है दोस्तों हमारा बेडरूम, बेडरूम में हमने ये बोल्ट दिया है 5 फीट की हाइट पे, और यहीं से हमने एक सर्किट उतारा है, यहाँ से मिल के चला जाएगा दोस्तों, और ये यहाँ से चला जाएगा, देख सकते हैं आप, यहाँ से हमने छेद मारा है जो कि पाइप उस तरफ मिल जाएगा। क्या होता है कि हमें पाइप ड्रॉप जो डीप सरफेस बॉक्स लगे रहते हैं दोस्तों, उसको आर पार मिलाना होता है, ठीक है, ताकि हमारा सर्किट उधर से चला जाए या फिर इस तरफ से ऐसा घूमते हुए उस तरफ चला जाए, ठीक है। और ऐसे मिलाते हुए हमने ये बोर्ड पे ले आया है, जो कि यहाँ पे बेड लगेगा उसके हिसाब से। और एक ये रूम से घूमते हुए देख सकते हैं आप, एक लाइट ये दिया हुआ है, वैसे लाइट की ज़रूरत नहीं पड़नी है। और एक बोल्ट हमने यहाँ दिया हुआ है बाथरूम के लिए पास, और यहीं से लग के ये गीज़र का पॉइंट बनाना है यहाँ पर हमको बाथरूम में, तो यहाँ पे बन जाएगा, और एक लाइट लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हमारा बाहर का बेडरूम, जो हमने MCB बॉक्स दिया है, और एक गेट ये देख सकते हैं, जो कि अभी चौखट लगी नहीं है, यहाँ पे लगनी है, 5 फीट की हाइट पे बोर्ड ये लगा दिया है, ये MCB बॉक्स लगाया है। और ये देख सकते हैं हमने यहाँ से दो पाइप उतारे, और उस तरफ के जो सर्किट है बॉक्स पे से मिले हुए हैं, ये डब्बी छेद मार के उस तरफ है, ठीक है। और एक ये है, देख सकते हैं हमने 6 मॉडुलर का बोर्ड एक ये लगाया है, जो कि बेड के पास है, ये हमने 38 इंच पे लगाया हुआ है। और एक लाइट का ये है, हमने छत पे लाइट, देख सकते हैं आप, हमने छत पे लाइट डाले हैं, सेंटर में हो गया ये फैन बॉक्स, एक लाइट का पॉइंट वो हो गया, एक लाइट का वो हो गया जहाँ पेपर लगे हुए हैं,
और एक लाइट का पॉइंट वो हो गया कितने, 1 2 3, और ऐसे ही यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 और 1 3, तीन पॉइंट हमने इधर दिए हुए हैं। अब हमें सबमर्सिबल लगाना है, ये देख सकते हैं ये है हमारा सबमर्सिबल। अब इसके लिए कनेक्शन देना है तो ये बोल्ड हमने पाइप छेद मार के एक पाइप बाहर निकाला हुआ, यहाँ पे हम बोल्ड लगाएंगे और यहीं से झील लगाते हुए इसको यहाँ पे लगा देंगे, और यहीं से मोटर में से लेते हुए एक बोल्ड हमको 3 मॉड्यूलर का यहाँ लगाना हुआ लगाना है, क्योंकि यहाँ पे मोटर भविष्य में लगा सकते हैं, क्योंकि सबमर्सिबलों का भरोसा नहीं रहता है कभी भी सूख जाए। एक बोल्ड हमने ये लगा रखा है जो कि बाहर के लाइटों के लिए है, और यहाँ ट्यूबे बनाना है अभी जो बनाया नहीं है हमने, और ये देख सकते हैं ये हमने छेद मार के जो डब्बी मिलाई थी ये किचन के लाइट के लिए, ये देख सकते हैं आप, ये ड्रॉप हमने इधर से मिला दिया है ताकि वो सर्किट इधर से भी मिल जाए उधर से मिल जाए, वायरिंग करते समय हमें कोई परेशानी ना हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। जय बालाजी।